नमस्कार, मैं डॉक्टर कनुप्रिया जैन हूँ। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, यानी लेडीज़ प्रॉब्लम्स की जो स्पेशलिस्ट होते हैं, और मैं क्लाउड 9 लुधियाना में काम करती हूँ। गर्भवती महिलाओं के लिए हम सब लोग ध्यान रखते हैं कि उनका खाना अच्छा होना चाहिए, पीना अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम कभी कभी शायद उनके आराम के बारे में इतना नहीं सोच पाते। लेकिन जैसे हमारे लिए खाना और पीना जितना ज़रूरी है, उतना ही आराम और अच्छी नींद लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है। कभी कभी गर्भवती औरतों को नींद आने में मुश्किल आ सकती है। हो सकता है कोई तकलीफ़ की वजह से भी हो सकता है कि वैसे ही नींद आने में दिक्कत आने लगे, और ये ज़्यादा बाद के महीनों में ज़्यादा होता है, 8वें 9वें महीने में। कभी कभी कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं मिल पाती जिसमें आप अच्छी नींद ले सकें। लेकिन नींद, कम से कम 8 घंटे की नींद एक दिन में हम लोग एज डॉक्टर्स कहते हैं कि ज़रूर लेनी चाहिए। इससे माँ की सेहत भी ठीक रहती है और बच्चे के लिए भी ये ज़रूरी होता है। जब मदर आराम करती हैं, माँ आराम करती है, तो बच्चे को भी उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाती है और उसकी ग्रोथ के लिए ये अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी मदर्स को नींद आने में प्रॉब्लम आती है, हो सकता है किसी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलिए, उनसे अपने कारण डिस्कस करें, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो कई बार नींद की दवाई देनी पड़ सकती है। तो उसमें कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं, उसका कोई ऐसा रिस्क नहीं होता। उसको सही डोज में और सही दवाई दी जाए तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मदर्स पूरा नींद नहीं ले रही हैं, तो उनके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बाद में भी दिक्कत आ सकती है, और मदर्स की खुद की हालत में गिरावट आ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं, और मदर्स को बीपी की शिकायत बढ़ सकती है अगर वो नींद पूरी नहीं लेते। सो इसलिए अपनी 8 घंटे की नींद दिन में कोशिश करें, ज़रूर पूरी करें।